हेलो स्टूडेंट्स, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जेएनयू की प्रवेश परीक्षा पर कुलपति ने दिया है बड़ा बयान, जाने कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, पूरी डिटेल में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा के संबंध में कुलपति एम जगदीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वाइस चांसलर ने कहा है कि प्रवेश परीक्षा का आयोजन तब किया जाएगा जब भी छात्रों के लिए ये लिखना सुरक्षित होगा। अगर कोरोना वायरस के कारण प्रवेश परीक्षा में देरी भी होती है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन शैक्षणिक कैलेंडर को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही एकेडमिक तौर पर कोई नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं इस संबंध में एएनआई की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, आइए पढ़ते हैं। वी विल कंडक्ट द जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हेन एवर इट इज सेफ फॉर स्टूडेंट टू राइट। इफ एंट्रेंस इज डिले ड्यू टू कोविड एंड इफ एडमिशन हैपेंस एट लेटर डेट, वी विल श्योरली एडजस्ट अवर एकेडमिक कैलेंडर टू टेक केयर ऑफ लॉस्ट टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एकेडमिक रिगार्ड, जेएनयू वाइस चांसलर ने कहा है। ठीक है, इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी के नए कुलपति की नियुक्ति की मांग की है। इस संबंध में एबीवीपी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति की मांग की। दरअसल मौजूदा कुलपति एम जगदीश कुमार का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था, जिसके बाद वह 6 महीने के सेवा विस्तार पर हैं। एबीवीपी ने राष्ट्रपति के नए कुलपति की स्थायी नियुक्ति का आग्रह किया है क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को स्थायी रूप से निर्वहन किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष शिवम चौरसिया ने कहा है कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होने की वजह से कई महत्वपूर्ण फैसले लंबित थे, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए। और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर भी अभी यही फैसला है। और आपका जो अगर एप्लीकेशन फॉर्म जेएनयू रिलीज़ करता है तो आपका जून लास्ट वीक तक में कन्फर्म है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका अगस्त तक करवा दिया जाएगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और सत्र की देरी मत कीजिए, उस एक्सेल कैलेंडर के हिसाब से आपका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। और कोई अपडेट आती है तो आपको सूचित करते हैं। चैनल से जुड़े रहिए है।